दूसरा पैगाम लेकर के जाओ। आज मेरी कौन युवक है, मेरी बड़ी आगे सोचते मालदार हो जाता नहीं, ये युवा जो है क्या है, इसका अंत, इसका आखिर, इसका नतीजा, इसका रिजल्ट और सिर्फ बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी। आप थोड़े दिन के लिए बड़े अच्छे मालदार बन जाएंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आपका घर भी बिक जाएगा इस जुए में। और जुए के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, जो जुए खेलता है वो कहा फरमाते हैं, अल्लामा इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जो बंदा जुआ खेलता है तो फिर वो कयामत के दिन उसके हाथ सुअर के खून से रगड़ेंगे। आप तरह तवज्जो तो करें, आप पढ़ते नहीं, आप सुनते नहीं। मेरी नौजवान नस्ल न जाने किसको आइडियल बना करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। जुए में दो तीन बार जीत जाते हो, अपने आप को समझने लगते हो। सुने सुबह के खून में हाथ लगे हुए होते और जब जब गाने के शो में आता पर लाते मैं अपने हरे पीछे से साथ आता रहूंगा। अब मुझे बताओ तुम तो जुए खेल करके गए हो और तुम्हारे हाथ सुबह के खून से लगे हुए हैं, तुम किस मुंह से मेरे आका से मुसाफा मुसाफा करोगे, किस मुंह से हजरत अली से मुसाफा करोगे, किस मुंह से इमाम हुसैन से मुसाफा करोगे, नहीं कर सकते। आज अगर तुम्हारे हाथ धूल में खासन जाते हैं, धूल में मुलव्वस हो जाते हैं, हम अपने पीर से मुसाफा नहीं करते हैं। जिना करना छोड़ दो, जिना से बाहर ना जाओ। मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदा जिना करता है नौजवानी के आंगन में अपने नबी पर कंट्रोल नहीं करता है और जिना में मुलव्वस होता है, मेरे नबी फरमाते हैं उसको तीन सजाएं दी जाती हैं। या रसूलल्लाह कौन कौन सी सजाएं हैं बताया गया? पहला तो यह है कि उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। तुम पूरे जहान का यूनिफॉर्म में चले जाओ, पूरे जहान की कॉस्मेटिक की दुकानों का मेरे भाई।